चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुले आम लोकतंत्र की हत्या करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक झांकी बताया था। शायद जीवन में पहली बार सत्य बोला था, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए हर नियम, हर कानून, हर प्रणाली, हर मर्यादा, लोकतंत्र की हर मान्यता का दम घोटने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ भाजपा का वैचारिक या नैतिक दिवालियापन ही नहीं, ये उसकी मौलिक गिरावट का भी प्रतीक है। लेकिन सत्ता के लिए ये हवस, ये लालच हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा अपनाने को तैयार है। सत्ता मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो सारी काली करतूतों का सहारा लिया जाएगा। पहले चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएंगे, अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से दबाव बनाया जाएगा। और इस बीच उनका चरण चुंबक मीडिया जो है वो लोकतंत्र के चीरहरण पर सवाल नहीं उठाएगा, वो ये बोलेगा कि भाजपा की कितनी ब्रूट पॉलिटिकल मशीनरी है। वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि जिनको कल तक आप आरोपी बताते थे और गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। खैर, बार बार ऐसा कर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग इस देश के लोगों के साथ उनके मताधिकार के हक का हनन कर रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पर गहरा प्रहार कर रहे हैं। सत्ता की लालच में, सत्ता की लोलुपता में अंधे हुए भाजपाइयों को शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन इस देश के लोगों को ये बात जरूर समझ आने लगी है।